नमस्कार, मैं मानस मिश्रा और निर्मल नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कश्मीर अनुच्छेद 370 और तिरंगे पर महबूबा मुफ्ती के जहरीले बोल हमेशा रहते हैं। महबूबा मुफ्ती ने इस बार भी तिरंगा यात्रा से लेकर 15 अगस्त तक जो भी जितने कड़वे शब्द बोले थे वो देश के और देश के नागरिकों के दिल पर चुभ गए। और आज वही तिरंगा यात्रा कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के कोटाई का कारण बन गया। दिखाते हैं आखिर आपको कैसे महबूबा मुफ्ती को आज पब्लिक ने वाकई में कोटाई की है और तिरंगा यात्रा पर जो महबूबा मुफ्ती हमेशा अपने अपशब्दों के लिए मानी जाती थी उनका आज हाल भी आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि ये मैं नहीं, जो कुछ हो रहा है कश्मीर में हो रहा है और कश्मीर की जनता ही पीडीपी या फिर चाहे पीडीपी के कहीं पर भी हो, जैसा कि तस्वीरें आप एक कुछ दिखाई पड़ रही है, उन तस्वीरों के जरिए वीडियोज के जरिए आपको दिखाने जाएंगे कि कैसे महबूबा मुफ्ती का हुआ है पीट पीट कर बुरा हाल और कैसे पब्लिक आज गुस्से में है। कश्मीर के लिए ये सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और जय हिंद लेकर के वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस तिरंगा यात्रा को हम सलाम करते हैं, सलूट करते हैं। आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक शेयर करके महबूबा मुफ्ती के लिए दो शब्द जरूर लिखें। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। महबूबा मुफ्ती की कश्मीर की द्वारा पिटाई वाली वीडियो, कश्मीर के लिए यह एक बड़ा बदलाव है। 5 साल में जब से आर्टिकल 370 की समाप्ति लग रही थी, महबूबा मुफ्ती का अत्यंत गैर जिम्मेदारा बयान आता रहा। 29 जुलाई 2017 को महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अगर आर्टिकल 370 को हटा तो कश्मीर में कोई भी भारत का झंडा थामने वाला नहीं मिलेगा। जिस समय महबूबा मुफ्ती ने यह बयान दिया था उस वक्त वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थी। और ध्यान रहे कि यह उसके बयान उस महबूबा का था जिसके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने को पहले केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके थे। महबूबा मुफ्ती का यह बयान सर्वनाथ था और उन्होंने अब जो सर्वनाथ और ज्यादा था जब महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 की समाप्ति के 7.5 साल बाद अक्टूबर 2020 में बयान दिया था कि जब तक जम्मू कश्मीर में वापस नहीं होता आर्टिकल 370 तब तक वो तिरंगा नहीं फहराएंगे। खेल था महबूबा मुफ्ती का। अब महबूबा को अपने बयान पे भी शर्म आ रही होगी क्योंकि जो आम जनता है, आम जनमानस है, आम कश्मीरी है, वो खुद महबूबा मुफ्ती के दफ्तर के सामने पहुंचकर महबूबा मुफ्ती की कुटाई कर रहे हैं। हुर्रियत का खेल खत्म हो गया है। अब हुर्रियत का खेल खत्म होने के बाद जब खुद कश्मीर में अलगाववाद की सबसे बड़ी खमझंडर बार की बात करें तो तौर पर पेश करने वाली महबूबा मुफ्ती अपने बयानों से शायद 2 साल बाद भी उन्हें शर्म ना आए। हालांकि सामान्य तौर पर कोई भी पढ़ा लिखा आदमी शर्म कर लेता है। जिस भारतीय संविधान के तहत शपथ लेकर के वो राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, उनके कुर्सी पर आसीन हुई थी, उसी संविधान के अनिवार्य हिस्से और प्रतीक तिरंगे के बारे में इस तरह का भड़काऊ बयान महबूबा मुफ्ती दे सकती थी ये लोग नहीं जानते थे। लेकिन अब कश्मीर की जनता महबूबा मुफ्ती को ठेंगा दिखा रही है, उन्हें उसकी औकात दिखा रही है, औकात बता रही है और देश के प्रति अपनी भावना, राष्ट्रगान और तिरंगे को लेकर प्रति अपना सम्मान जो है वो दर्शाते हुए जो शौर्यत जगह लेने के लिए बेचैन थी महबूबा, उसी महबूबा के जहूरियत के कार्यालय में बैठकर कभी कश्मीर को भारत के अलग करने की साजिश रखी जाती थी उसी गेट पर भी तिरंगा टांगे हुए तस्वीरें दुनिया को वायरल हो रही हैं और दुनिया देख रही है और इसको महबूबा मुफ्ती ने भी देखा होगा। आज दुनिया में मानवता का रोना रोने वाले पूरे दुनिया आंख फाड़ कर देख रही होगी क्योंकि आज तिरंगा पूरे कश्मीर में फहरा रहा है। बच्चे वहां तिरंगा को लेकर के एक अपना चैन बना रहे हैं। आर्टिकल 370 की समाप्ति के जब 3 साल पूरे हो चुके हैं और भारत अभिन्न हिस्से के तौर पर कश्मीर के आजादी और अमृत महोत्सव को पूरी शिद्दत के साथ मना रहा है, दुनिया में कश्मीर में होने वाली तस्वीरें जो है वो अब हैरान करेंगी जो ज्यादातर समय कश्मीर के हालात को पाकिस्तानी चश्मे से देखने के अभ्यस्त रही है। हाथ में तिरंगा लेकर सड़कों पर चल रहे कश्मीरी लोग
दुनिया को अपनी नजरिया बदलने के लिए मानो सलाह दे रहे हैं। वो इस्लामिक कंट्री देश OIC जो कठमूल्य है कट्टरता की हद से भरे हुए, उनको भी कश्मीर की जनता मानो जड़ कर तमाचा दे रही थी। महबूबा मुफ्ती तो छोड़िए, क्योंकि एक बयान को लेकर के जहां कठमूल्य देश कश्मीर में मानवता की बात करने लगते थे, वहां पर आज उसी वही कश्मीरी वहां पर घुस करके उनकी ठुकाई भी कर रहे हैं। कश्मीर में युवा अलगाववाद की राह छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। पिछले 2 साल से कश्मीर के युवाओं की मानसिकता जो है उसमें बड़ा बदलाव आया है। वो रोज खुशहाल और आज खुशहाली के बाद बेहतर के बारे में कल की सोच रहे हैं, न कि पाक प्रायोजित आतंकवाद को पकड़ने के बारे में सोच रहे हैं। जो इक्का दुक्का अब भी भटक रहे हैं, उनके लिए अब हालात आसान नहीं रह गए हैं। जिस डल झील में 90 के दशक में सैकड़ों की तादाद में आतंकवादी हथियार लेकर घूमते नजर आते थे, वहीं आज देश के दुनिया में अभर से आए सैलानी नजर आ रहे हैं और स्थानीय युवा वहां पर मस्ती करते दिख रहे हैं। ये है आज का कश्मीर, POK नहीं है। आज फिर हम इस वीडियो के माध्यम से उस इस्लामिक कट्टरता वाले देशों को बता देना चाहते हैं कि ये है हिंदुस्तान का, भारत का कश्मीर, जो POK में भी अभी है और POK के लोग भी आज देख रहे हैं। और जो POK के लोग अब तक सोच रहे थे कि भारत में किसी तरह से भारत सरकार आए उनको अपने जद में ले, आज उनको एक कॉन्फिडेंस मिला होगा। आपको बता दें, विकास की बयार बह रही है, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस है आज घाटी में। मानो ऐसा हुआ है कि केंद्र की मोदी सरकार जो है उसकी नीति के कारण से बड़े प्रभावी ढंग से पिछले 2 साल से लागू कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के संवैधानिक प्रशासनिक प्रमुख जो के तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, अगर इस नीति को समझना हो तो आज कश्मीर घाटी में आए कुछ खबरें उनकी झलक दे सकती है। आपको बता दें, सिन्हा की तरफ से जहां श्रीनगर के राजभवन के कर्मचारियों को तिरंगा बांटकर हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक बनाने की भी कोशिश की गई। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 25 DDC और BDC भवनों के लिए शिलान्यास किया, साथ ही पूरे जम्मू कश्मीर के विकसित किए जाने के लिए 1000 अमृत सरोवर का उद्घाटन भी किया गया। यही नहीं, ग्रामीण रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 75 होम स्टे लॉन्च किए गए हैं। भारत की आजादी के 75 साल के साथ ताल बिठाए हुए हैं। विकास से जुड़ी इन तमाम योजनाओं वाली खबरों के बीच एक खबर यह भी आई है कि जो प्रशासन दूसरे पहलू को झलक देती है, विकास की बहार लाने की कोशिश कर दे लेकिन आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति यहां पर अपनाए हुए। आपको बता दें, इसी का प्रदर्शन करते हुए आज 4 सरकारी अधिकारियों की बर्खास्तगी की घोषणा कर दी गई, जिनके तार आतंकवाद से जुड़े हुए। इनका जो है कहीं ना कहीं महासभा अंजुमन खान भी है, जो फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टर कराटे की बीवी के तौर पर मशहूर है, और वो बिट्टर कराटे जिसकी दरिंदगी की वास्तविकता की कहानी पूरे देश भर में कश्मीर फाइल्स के नाम से फिल्म के जरिए आज सब पूरी की पूरी दुनिया भी आज इसको देख चुकी है। वर्ष 2011 में जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के चयनित होकर बिट्टा कराठे शादी करने वाली असबा की अलगाववादी आतंकवादी गतिविधियों के शामिल होने की कहानी काफी पुरानी है। दांदली और सरकारी अधिकारियों के मिलीभगत से 2003 में शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी में आप एग्रीकल्चर साइंस के टेक्नोलॉजी में नौकरी पाने के बाद असबा 2007 तक सरकारी सेवा में बनी रही, वो भी लंबे समय तक ड्यूटी से गायब रहने के बावजूद। इस दौरान वो अलगाववादियों की गतिविधियों में जमकर वहां पर शामिल रही। आपको बता दें असबा के बारे में, असबा जो है जर्मनी, UK, थाईलैंड जैसे देशों में आतंकवादी संगठन JKLF के लिए फंड जुटाती रही। जांच के बाद यह भी पता चला कि 2007 में बर्खास्त हुई, लेकिन 4 साल बाद फिर से JKS की परीक्षा क्लियर कर 2011 में सरकारी अधिकारी बन गई। असबा की गतिविधियों की जांच कर आखिर लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा ने आज उसे सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया। कश्मीर की हवा फिजा सब बदली हुई है, दुनिया के देश सुन ले और महबूबा मुफ्ती देख लो ऑफिस के सामने, आज तुम्हारे PDP के यही है तुम्हारी ठुकाई। जो पब्लिक आज तिरंगे को तुम्हारे कहीं ना कहीं इस जज्बे पर जो तुम जिस तरह से देश के खिलाफ साजिश रचती थी, आज देखो तुम्हारे घर के सामने क्या हो रहा है, यही है तुम्हारी असली कुटाई। क्योंकि जूते चप्पल और लात घूसों से कुटाई वो कुटाई नहीं होती, कुटाई असल में यही होती जब तुम्हारे इरादों को तिरंगे से आज जनता ने चकनाचूर कर रही है, और तुम्हारे तिरंगे तुम्हारे कहीं ना कहीं उन इरादों को, भारतीय इरादों को आज तुम्हारे कहीं ना कहीं इस गलत इरादों वाली उसके सीने पर गाड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।